स्वागत है आप सबका एक और शानदार वीडियो में। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिल्म एनिमल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पांचवें दिन कितना रहा, छठे दिन कितना होने वाला है, ओवरऑल कलेक्शन कितना रहा, वर्ल्ड वाइड कितना रहा, किसका रिकॉर्ड एनिमल तोड़ा और सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा पांचवें दिन, और आगे कितनी कमाई हो सकती है, बजट कितना था दोनों फिल्मों का और अभी तक क्या क्या कमाई हो गया है, टाइगर 3 का रिकॉर्ड कैसे एनिमल ने तोड़ा है और कैसे पठान के रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते बच गया। आइए हम इस वीडियो में अच्छे से पूरा विस्तार से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी गली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पांचवें दिन कितना रहा है। अगर एनिमल मूवी का पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखे तो इसने पांचवें दिन हिंदी में 35.97 करोड़ इसने कमाई की, हिंदी की हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम तमिल की बात करें तो तमिल में इसने 2.02 करोड़ कमाई किया इसने। अगर वहीं हम तेलुगू की बात करें तो तेलुगू में इसने अच्छी खासी कमाई की, क्योंकि तेलुगू में इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है। जितने दिन का जब से रिलीज हुई है तब से अगर हिंदी को छोड़ दिया जाए तो तेलुगू में ही इसकी कमाई अच्छी हो रही है। पाँचवें दिन तेलुगू में इसकी कमाई रही 29.79 करोड़, यानी 29,79,00,000 रुपये इसने कमाई की। अगर वहीं हम मलयालम की बात करें तो मलयालम में इसकी ओपनिंग भी कम हुई थी, वहाँ पे थिएटर भी कम है और बहुत कम ही मिनिमम कमाई वहाँ पे हो रहा है, मात्र 0.04 करोड़, यानी 40,000 रुपये तक ही इसने कमाया है फर्स्ट दिन। तो ये मलयालम की बात है। तो हिंदी में इसने अच्छी खासी पकड़ बनाई पाँचवें दिन 35,97,00,000 रुपये का। अगर हम चौथे दिन का बात करें तो चौथे दिन में इसकी जो कमाई हुई थी हिंदी सिनेमा में 40.06 करोड़, यानी 40.06 करोड़ इसने कमाई की थी। मलयालम तमिल तेलुगू की बात करें तो तमिल में 0.27 करोड़ इसने कमाई की थी, बहुत कुछ खास नहीं कर पाया था। अगर वहीं हम तेलुगु में बात करें तो तेलुगु में इसने अच्छा खासा झंडा गाड़ा था। चौथे दिन तेलुगु में इसने कमाई की थी 3.14 करोड़, यानी 3,14,00,000 रुपए की इसने कमाई की, लेकिन फिर मलयालम में आकर इसकी कमाई रुक जाती है, मात्र 0.01 करोड़ ही हो पाता है। यानी हिंदी में इसका कलेक्शन दूसरे चौथे दिन हुआ था 40,06,00,000 रुपए, यानी हिंदी में अच्छा था, लेकिन फिर इससे कहीं ज़्यादा कमाई डे 3 में इसने किया था हिंदी में, और फिर उसके बाद डे 2 में कमाई किया था, डे 1 में किया था, लेकिन सबसे कमाई के मामले में सबसे ज़्यादा अगर एनिमल आगे रहा है तो डे 3 के दिन रहा है, क्योंकि उस दिन उसने अच्छी खासी कमाई की डे 3 में। डे 3 में इसने कमाई थी 63.4 करोड़ रुपया, यानी 63,46,00,000 रुपये इसने हिंदी में कमाया था, लेकिन फिर वहीं यहाँ पे डे 3 में तमिल तेलुगु और मलयालम दोनों में इसने बाजी नहीं मारी और पीछे रह गया। मात्र इसने तमिल में 55,00,000 रुपए की कमाई की थी, तेलुगु में इसने अच्छा खासा कमाई की कंपेयर उस दिन मान और शो से कंपेयर करें तो 70,00,000 रुपए की कमाई की थी, और फिर आकर मलयालम में वहीं 0.01 करोड़ यानी 10,000 में सिमट गई। फिर अगर हम वहीं डे 2 की बात करें तो डे 2 में हिंदी में इसकी कमाई हुई थी 58.37 करोड़ डे 2 में हुई थी, और तमिल में 50,00,000 की थी, और तेलुगु में 7,30,00,000 की कमाई इसने किया था। वही फिल्म मलयालम में 0.01% है, मैंने उसका कोई वैल्यू नहीं है मलयालम का, यानी हिंदी में 58.37 करोड़ इसने कमाई की थी। डे 1 में अगर बात करें, डे 1 में जितना हाइप था इस फिल्म को लेकर, लगा था कि फिल्म बहुत अच्छा करने वाली है, और वाकई में डे 1 में किया था। हिंदी में इसने 54,75,00,000 रुपए की कमाई की थी हिंदी में, और तमिल में बात करें तो तमिल में मात्र 40,00,000 रुपए की कमाई की थी, तमिल में मात्र 40,00,000। फिर मलयालम तेलुगु में इसने अच्छी खासी कमाई की, 8,55,00,000 रुपए की कमाई की थी, और मलयालम में मात्र 0.01%, यानी मलयालम में थोड़ी सी पीछे रह गई, तेलुगु में
मलयालम तमिल के बदले तेलुगु में अच्छी खासी कमाई इसकी हुई, हिंदी में ओवरऑल ठीक रहा। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसने टोटल अभी तक ओवरऑल जो कमाई किया है उसमें इसने कमाई किया है 284 करोड़ 87 लाख रुपए टोटल हिंदी का इसका कलेक्शन हुआ है अभी तक डे 5 तक। हम डे 6 का भी बात करने वाले हैं। इसके बाद एक और हम बात करें कि इस फिल्म का जो ओवरऑल ओवरसीज कलेक्शन है 132 करोड़ 40 लाख रुपए है, लेकिन वहीं अगर हम पूरा इंडिया ग्रॉस मार्केट देखें, पूरा इंडियन ग्रॉस में देखें, तमिल तेलुगु मलयालम हिंदी मिलाकर जो इसने कमाई किया है वह है 292 करोड़ 60 लाख रुपए का। अभी तक 292 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई इसने कर लिया है। टाइगर को इसने पीछे छोड़ दिया है। टाइगर तो ऐसे भी फ्लॉप हो गई है, लेकिन टाइगर इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होगी ये मुझे उम्मीद नहीं था, क्योंकि इसने अभी तक अपना जो बजट भी पार नहीं कर पाया टाइगर। वहीं अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइज इसका कलेक्शन हुआ है 425 करोड़। टाइगर का जो बजट था 300 करोड़ था और टाइगर का अभी तक जो कलेक्शन हुआ है मात्र हुआ है 283 करोड़ इंडिया में। तो टाइगर एक तरह से फ्लॉप है वर्ल्ड वाइज, ठीक कहा जाएगा बहुत अच्छा किया लेकिन फ्लॉप रहा। तो टाइगर के से आगे या बहुत आगे निकल गई एनिमल। अब हम बात करते हैं कि छठे दिन की कमाई क्या हो सकती है, फिर सैम बहादुर के बारे में बात करेंगे। चलो सबसे पहले सैम बहादुर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम छठे दिन कलेक्शन के बारे में बात करेंगे सैम बहादुर और एनिमल का। अगर हम सैम बहादुर की बात करें तो सैम बहादुर अभी 32 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। हाँ, 32 करोड़ रुपए की सैम बहादुर अभी तक कमाई कर ली है। सैम बहादुर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है, वह इसलिए कि गलत टाइम पर रिलीज हो गया। अगर यही सैम बहादुर 26 जनवरी पे इन्होंने रिलीज़ किया होता तो शायद कुछ अच्छा होता, लेकिन पता नहीं 26 जनवरी पे इन्होंने क्यों रिलीज़ नहीं किया, रिलीज डेट नहीं मिला या फिर इनका दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, जो भी रीज़न हो। लेकिन यह फिल्म पिछड़ गई सिर्फ और सिर्फ एनिमल के चलते। एनिमल के साथ अगर यह रिलीज नहीं हुई होती तो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आती, बहुत अच्छा किया रहता। तो इसने 32 करोड़ रुपए अभी तक कमाई किया है, लेकिन इसका जो बजट है सैम बहादुर का 65 करोड़ रुपया है और इसने अभी तक 32 करोड़ कमाया है, यानी अभी तक लगभग आधी से भी कम पर इसकी कमाई रुकी हुई है। तो क्या लगता है कि आगे इसकी कमाई और ज़्यादा होगी या फिर पिछड़ जाएगा, क्योंकि अभी आधी कमाई ही हुई है। अभी आज मंगलवार हो गया, दो दिन बुधवार आने वाला है, फिर बृहस्पति और शुक्रवार को कोई और फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो क्या लगता है सैम बहादुर का कि अपनी बजट को आगे निकल पाएगा या फिर रुक जाएगा, लेकिन अभी तक उसने 32 करोड़ रुपए की कमाई की है। हम देखते हैं कि छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर एनिमल क्या कमाई कर सकता है, कितना धमाल मचा सकता है, क्योंकि छठे दिन में बुधवार का दिन है, कोई छुट्टी नहीं है। फिर भी देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। अगर हम पहला दिन का बात करें तो पहले दिन इन्होंने जो कमाई की थी लगभग 54.75 करोड़ यानी 55 करोड़ के आसपास था, फिर 58 करोड़ के आसपास दूसरे दिन, फिर 64 करोड़ के आसपास तीसरे दिन, चौथे दिन की बात करें तो 40-41 करोड़ के आसपास था और पाँचवें दिन में 35-36 करोड़ के आसपास रहा है। यानी कम, थोड़ा सा ज़्यादा, फिर सब ज़्यादा, फिर कम, फिर उसे भी कम। यानी इस कमाई के बारे में हम बोले छठे दिन में, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यह 28-29 से लेकर 32 के आसपास जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 28 करोड़ से लेकर 32 तक इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी। यानी मिनिमम 27-28, मैक्सिमम 32 भी नहीं जाने वाली है, 31-32 तक इसकी कमाई छठे दिन रुक जाने वाली है। अगर वही मलयालम में बात करें तो मलयालम में भी यही 0.001% यही रहे, यानी नथिंग, कुछ नहीं रहने वाला है। तेलुगु में थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है, 0.5% के आसपास होने वाला है, 0.5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। तमिल में थोड़ा सा उससे भी कम होने वाली है, 0.5 के आसपास। यानी ओवरऑल अगर देखें तो हम इसमें 32 के आसपास जा सकते हैं मैक्सिमम, 28-32 और कुछ नहीं जा सकते हैं। सैम बहादुर के बारे में बोले तो सैम बहादुर देखते हैं, 4-5 करोड़ भी अगर कमा लेती है तो अच्छी है मुझे तो, देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा टोटल आपका एनिमल और सैम बहादुर, जिसने टाइगर को पीछे छोड़ दिया है, टाइगर 3 को। अगर हम पठान के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो पठान का रिकॉर्ड एनिमल से अभी नहीं टूटा, रुक गया। लेकिन क्या लगता है कि एनिमल मूवी
कितनी कमाई करने वाली है, आपको क्या लगता है रणबीर कपूर के करियर का यह सबसे बड़ा फिल्म है, तो कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ पे बिग बॉस फिल्म से जुड़ी जानकारी रिव्यूज़ मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे विपिन सिंह रियल, फेसबुक पे विपिन सिंह, या फिर फिल्मी गली इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं।